हेलो भाई मवंगित, जब से होंडा की SP160 लॉन्च हुई है ना, तब से लोग बग पता है क्या सोच रहे हैं कि यूनिकॉर्न को अब कोई खरीदेगा ही नहीं। भाई सब लोग तो SP को ही खरीदेंगे, बेचारी यूनिकॉर्न का अब क्या होगा, ऐसे सोच रहे हैं लोग बाग है। आज मैं आप सभी को होंडा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में बताऊंगा सितंबर महीने की। इसमें SP160 का भी आपको सेल्स देखने को मिलेगा, साथ ही यूनिकॉर्न 160 का भी सेल्स देखने को मिलेगा, अलग अलग भाई। तो आपको पता चल जाएगा यूनिकॉर्न ज्यादा बिक रही है या फिर SP ज्यादा बिक रही है। वीडियो में बने रहे, मजा भरपूर आने वाला है, स्किप मत करना, एंड तक देखना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बेचारी लॉन्च होते ही लगता है फ्लॉप हो गई। खैर इनकी बहुत सारी गाड़ी आती है भाई, लेकिन कुछ गाड़ियों का सितंबर में एक भी यूनिट नहीं बिका है। जैसे अफ्रीका ट्विन, CBR 650, CBR 1000, गोल्ड विंग, इन सब गाड़ियों का एक भी यूनिट नहीं बिका है भाई। तो उन सबको थोड़ा दूर करते हैं, जो बिकी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 12th नंबर पे आई है इनकी CB 300 सीरीज, जिसमें अपने को दो मॉडल मिलते हैं, 300F और 300R। सितंबर के महीने में दोनों गाड़ियों कंबाइन 124 यूनिट बिकी है। जी हाँ, मैं बस सही बोल रहा हूँ, मात्र 124 यूनिट। इन दोनों का हाल बहुत ही बुरा है भाई। अब यहाँ पे CB 300F के बारे में जान लेते हैं। बताओ ये 300cc गाड़ी है, इसका प्राइस मात्र ऑन रोड आज के रेट में 198,269 रुपए जा रहे हैं अपने यहाँ। बताओ इतनी सस्ती, इतने में अपने को MT 15 मिलता है 150cc का। भाई ये इतना वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो चुका है ना कि पूछो मत। इसमें 24.13 BHP का पावर, 25.6 Nm का टॉर्क, 36 KMPL का माइलेज, 153 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 155 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। 11th नंबर पे है भाई इनकी एडवेंचर गाड़ी CB 200X, इसकी 746 यूनिट बिकी है सितंबर के महीने में पूरे भारत भर में। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो अच्छा रिस्पॉन्स करी थी एक दो महीने, लेकिन फिर भाई 200-300 पे आ गई। प्राइस की बात करते हो तो ये 172,744 रुपए से मिलना शुरू होती है ऑन रोड है। इसमें वही हॉर्नेट वाला इंजन मिलता है, 17.03 BHP का पावर है, 15.9 Nm का टॉर्क, 43 KMPL का माइलेज, 147 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 140 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 10th नंबर पे आई है इनकी CB 350 सीरीज, जिसमें भी दो मॉडल मिलते हैं, हाइनेस CB 350 और CB 350 RS। दोनों कंबाइन 3,057 यूनिट बिकी है भाई। इनका हरदम से यही है 3,2500 बिकती है भाई, इससे ज्यादा नहीं बिकती कभी भी। 246,273 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है आपकी हाइनेस CB 350। पावर अगर की बात करते हो तो 20.78 BHP का पावर, 30 Nm का टॉर्क, 35 KMPL का माइलेज, 118 kg का कर्वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 125 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। अब बहुत भाइयों के मन में होगा कि तुम पिछले महीने से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो। देखो भाई पिछले महीने लिस्ट ही नहीं आया था यार, कैसे कंपेयर करूं बताओ। बाकी 9th नंबर पे आई है हॉर्नेट 2.0, इसकी 3852 यूनिट बिकी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, 3852 यूनिट है, दबा के बिक रही है यार हॉर्नेट जब से OBD2 मॉडल के साथ लॉन्च हुई है। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ ही गया है भाई, घटा नहीं है, फिर भी दबा के बिक रही है। 162,286 रुपये से मिलती है भाई ऑन रोड है। 17.03 BHP का पावर, 16.1 Nm का टॉर्क, 45 KMPL का माइलेज, 142 kg का कर्वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 130 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। 8th नंबर पे है भाई इनकी लिवो, सितंबर के महीने में 5140 यूनिट बिकी है मात्र। ये भाई गाड़ी 10,000 तक बिक जाया करती है मेरे को जहां तक पता है, लेकिन इस महीने तो 5140 पे यहां टक गई है। हालांकि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट, 91,147 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है भाई, 8.67 BHP का पावर, 9.30 Nm का टॉर्क है, 60 KMPL का माइलेज, 113 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 7th नंबर पे आई है SP 160, जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र करा था भाई। सितंबर के महीने में इसकी मात्र बता दूं 7,423 यूनिट बिकी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मात्र 7,423 यूनिट। बताओ ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, लोग बाग कह रहे हैं कि किंग है भाई 160cc की, फिर भी भाई इतना कम सेल, अब इसको क्या बोलेंगे बताओ। इतना कम सेल लेके आई है तो इसको फ्लॉपी बोलेंगे ना। हालांकि नई प्रोडक्ट है इसीलिए लोग बाग थोड़ा सा सोच रहे हैं खरीदने में, लग रहा है मेरे को। बाकी धीरे धीरे अगर बिकने लगी तो अच्छी बात है, भगवान करे इंप्रूवमेंट करे भाई, क्योंकि होंडा वालों ने बहुत ही मेहनत करा इस गाड़ी को लॉन्च करने में। ये गाड़ी आपकी 141,118 रुपये से मिलना शुरू हो जाती ऑन रोड। महंगी तो है यार, नो डाउट है। 13.27 BHP का पावर, 14.58 Nm का टॉर्क, 50 KMPL का माइलेज, 139 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 120 KMPH तक टॉप स्पीड इसमें मिल जाता होगा मेरे को भाई, लिखा दिखा यार ऑफिशियल वेबसाइट पे। बात करें अगली गाड़ी की तो 6th नंबर पे आई है इनकी CD 110 ड्रीम, इसकी 10,643 यूनिट बिकी है। ये भाई अपने औकात जितना भी की है, ये हर महीने इसी के राउंड बिकती है। लेकिन लिवो यार बहुत ही गंदा सेल हुआ है, ये आपकी 86,862 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें पावर वगैरह मिलता है 8.67 BHP का, टॉर्क मिलता है 9.30 Nm का,
माइलेज अपने को मिल जाता है 61 तक, 112 केजी करवेट है इसका, चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 86 के एमपीएच का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। ये भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी पैकेज है, लेकिन लेकिन अब क्या बोलूँ, कुछ सफाई दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, इसीलिए भाई नहीं बोल रहा। चलो इसके बारे में, फिफ्थ नंबर पर है यूनिकॉर्न। इसकी सितंबर के महीने में 25,514 यूनिट बिकी है भाई, इसके सेल्स में थोड़ा सा भी गिरावट नहीं हुआ है। ये इसी के अराउंड हर महीने बिका करती है 25,000-30,000। ये गाड़ी 131,685 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। ये भाई ठीक है, मतलब प्राइस वाइज ठीक है, लेकिन एसपी में एलईडी हेडलाइट वगैरह मिल रहा है भाई, थोड़ा मस्कुलर लुक मिल रहा है और फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है, तो उसका तो पैसा जोड़ेंगे ही ना भाई, जाहिर सी बात है। यूनिकॉर्न में अपने को पावर मिलता है 13.27 bhp का, टॉर्क अपने को मिलता है 14.58 nm का, माइलेज अपने को 50 के एमपीएल का मिल जाता है, 140 केजी का करवेट है, चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 106 के एमपीएच का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी फोर्थ नंबर पे आई है इनकी साइन 100। इसकी सितंबर के महीने में 26,205 यूनिट बिकी है, अच्छा सेल हो रहा है, लेकिन उतना भी ज्यादा सेल नहीं हो रहा भाई, लेकिन 26,205 यूनिट खराब नहीं बोलेंगे भाई, नई प्रोडक्ट है यार। इतना अगर एसपी 160 बिकती ना तो मैं सेटिस्फाइड रहता भाई। खैर साइड 100 अगर आप लेना चाहते हो तो अपने यहाँ 76,000 तक ऑन रोड आ जाया करती है भाई, बिना एक्सेसरीज का। पावर अगर की बात करते हो तो 7.28 bhp का पावर, 8.05 nm का टॉर्क, 65 kmph का माइलेज, 99 kg का करवेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। थर्ड नंबर पे आई है भाई इनकी डियो सीरीज। इसमें भी अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं, डियो 110 और डियो 125, दोनों कंबाइन 38,703 यूनिट बिकी है, अच्छा सेल हो रहा है भाई। प्राइस की बात करते हो तो डियो 110 आपकी 87,333 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर की बात करते हो तो डियो 110 में अपने 110 cc का इंजन मिलता है, 7.75 bhp का पावर, 9.03 nm का टॉर्क है, 48 kmph का माइलेज, 103 kg का करवेट, 9 कलर ऑप्शन, बाकी 83 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूंगा, ग्राजिया को बंद करके इन्होंने उसी के लुक पे डियो 125 को लॉन्च कर दिया है। ग्राजिया नहीं बिक रही थी इसीलिए डियो का उस पे नाम चिपकाया गया तो बिकने लगी, जादू हो गया एकदम से। खैर सेकंड नंबर पे है भाई इनकी हमेशा की तरह साइन और एसपी, दोनों कंबाइन 135,339 यूनिट बिकी है, बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा सेल हुआ है भाई। अभी एसपी अगर आप लेना चाहते हो तो 1,222 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं अपने यहाँ। पावर अगर की बात करते हो तो 10.72 bhp का पावर, 10.9 nm का टॉर्क, 65 kmph का माइलेज, 116 kg का करवेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 100 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है एसपी 125 में। बात करें नंबर वन पे आने वाली गाड़ी की तो वो है भाई हमेशा की तरह इनकी एक्टिवा। एक्टिवा इसमें भी दो मॉडल मिल जाते हैं, एक्टिवा 6G तो नहीं आ रहा भाई नॉर्मल, अब एक्टिवा आ रहा है और इसके अलावा एक्टिवा 125 आ रहा है, दोनों कंबाइन 235,056 यूनिट बिकी है, मजाक चल रहा है यार, 235,056 यूनिट, बाप रे बाप रे। अभी एक्टिवा अगर आप नॉर्मल वाला लेना चाहते हो तो 91,148 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। उसमें अपने को पावर मिलता है 7.73 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.19 nm का, 47 kmph का माइलेज, 106 kg का करवेट, 9 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। तो यही है भाई होंडा की सारी गाड़ियों का सेल्स। आपको अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि यूनिकॉर्न को कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे एसपी 160 आ जाए चाहे साइन 160 आ जाए, कोई नहीं हरा सकता, यूनिकॉर्न किंग है भाई, किंग है। आपका क्या ओपिनियन है एसपी 160 के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना प्लीज। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।